इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एड्स एक्सचेंज के अंदर अगर आपको समथिंग वेंट रॉन्ग दिखाई दे तो हमें क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम एड एक्सचेंज की वेबसाइट पर हैं, ठीक है। फिलहाल हम इसका इंटरनेट ऑन करते हैं। अब यहाँ पर जो हमें यूज़र नेम डालना है वो हमें पहले से रिफ्रेश कर देते हैं हम एक दफ़े, और बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है वरना पेज आपका एक्सपायर हो सकता है। तो इसे पूरी तरीके से रिफ्रेश कर देते हैं हम, जिससे कि आ जाए, या बैक करके दोबारा इसे खोल लेते हैं। और अगर ये ज़्यादा ही समथिंग वेंट रॉन्ग दिखाता है तो इसकी एप्लीकेशंस भी हैं, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। कोई दिक्कत ऑफिशियल ऐप को यूज़ करिएगा, लेकिन अगर हो तो, अगर नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जैसे यहाँ पर हम यूज़र नेम डालते हैं और यहाँ पर अपना पासवर्ड डालते हैं, कुछ भी डाल देते हैं। अब यहाँ पर कैप्चे की भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि हम यहाँ पर कुछ भी टाइप कर देते हैं तो सिक्योरिटी को जो है वो गलत गलत दिखाती है हमें। तो बिल्कुल यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर डालना है हमें, ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल देंगे। अब यहाँ पर यूज़र नॉट फाउंड दिखाता है तो समझ जाइएगा कि यहाँ पर नहीं। अब बार बार आप ट्राई करेंगे तो समथिंग वेंट रॉन्ग दिखा सकता है आपको, या अपना पासवर्ड गलत डालेंगे, या यूज़र नेम जो होगी नहीं वो भी डालेंगे, तो ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। आपको बिल्कुल सही, बिल्कुल पक्का डालना है जो आपको पता हो, वरना आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। आपको यूज़र नेम बिल्कुल सही डालना है और यहाँ पर एटलीस्ट 10 कैरेक्टर लेने हैं, और 10 कैरेक्टर में आपको यहाँ पर लेने के बाद पूरे 10 करने हैं इसे, और 10 से ज़्यादा ले सकते हैं, 10 से कम भी ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो यहाँ पर। बट हाँ, सब चीज़ करेक्ट डालिएगा, अगर आप करेक्ट नहीं डालते हैं तो समथिंग वेंट रॉन्ग दिखा देगा। अब ऐसा भी नहीं करेक्ट नहीं डालने हैं तो तब करेक्ट डालने हैं तब भी दिखाते हैं, तो वो सर्वर का इशू होता है, वो शाम तक ठीक हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। अगर सर्वर ठीक नहीं होता तो एप्लीकेशन को अगर हो तो यूज़ कर लीजिएगा, वरना कुछ टाइम बाद आपका ये सॉल्व हो जाएगा। बाकी आप जो भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हों वो अप टू डेटेड रहना चाहिए, जैसे क्रोम हो गया यहाँ पर, तो क्रोम भी यहाँ पर अपडेटेड रहना चाहिए। तो ये सेटिंग्स करिएगा, फिर आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। हाँ, 100% मैं गारंटी इस चीज़ की अभी नहीं लेता, क्या पता ना भी हो, और हो भी सकती है। तो अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।